नमस्कार दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा हीट इंजन का सिलेबस चल रहा है, उसकी आज हम करने वाले हैं क्लास 22। ओके दोस्तों, तो क्लास 21 जो है आपकी मॉर्निंग में आ चुकी है, जो जिसमें हमने वेल्डिंग स्टार्ट कर दिया था, और आज 22 में जो बचा हुआ वेल्डिंग का पार्ट है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ और चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या बचा हुआ है और क्या क्या हमें करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है भाई इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, मैं ऑलरेडी इसका हिंट आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो जिससे आप वाकई में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। वो चीज़ें आपको एंड तक बना रहना है बिल्कुल इस वीडियो। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। ये फ्यूजन वेल्डिंग का एक टाइप है। फ्यूजन वेल्डिंग वही है जो नॉन प्रेशर वेल्डिंग जिसको हम बोल रहे थे, ठीक है। दिस एज ऑफ द मेटल ब्लॉक अंडर द प्रोसेस, ठीक है, आर हीटेड एंड मेल्टेड अंटिल दे रीच टू द मेल्टिंग पॉइंट। जो एज होते हैं हमारे मेटल पॉइंट के, उनको हीट किया जाता है जब तक वो मेल्टिंग स्टेज पे ना आ जाए, ये वाले एजेस को, है ना, क्योंकि हमें यहाँ से वेल्डिंग करनी है फॉर द मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, आर्क इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द मेटल ब्लॉक एंड इलेक्ट्रोड। मेटल ब्लॉक जो होते हैं उनके बीच में और इलेक्ट्रोड के बीच में जो है आर्क प्रोड्यूस होती है, फिर उसके बाद वो जो उनका जो वर्क पीस है वो किसी हाई टेम्परेचर तक पहुंचता है, जैसे लगभग टेम्परेचर होता है 3500 डिग्री से लेकर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। इसकी वजह से वो क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रिक कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एंड पेरेंट मेटल आर कम्प्लीटली मेल्टिंग मेल्ट मेकिंग अ वेल्डेड जॉइंट रेडली, ठीक है। जो जो इसके एजेस होंगे वो वेल्ड होने मेल्ट हो जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे जो है फिलर मटेरियल फिल कर देंगे और इसके बाद हमारी जो वेल्डिंग हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, ठीक है, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होता है भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड होता है। अब ये इलेक्ट्रोड जो है, हो सकता है ये इलेक्ट्रोड आपका सीधे क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रोड के चारों तरफ या फिर फ्लक्स लगा होगा, तो इसको हम बोलेंगे कोटेड टाइप। अगर इसके चारों तरफ फ्लक्स नहीं लगा, सीधे इलेक्ट्रोड ही है, सीधे सीधे वायर है समझ लो एक, उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं लिपटा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो एक वो हो जाता है। दो टाइप के होते हैं, तो इनको है इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आती है। इस ये होल्डर इस यहाँ पर होता है, उस पर होल्ड करता है इलेक्ट्रोड होल्डर, फिर वहाँ से करंट फ्लो होता है। और ये वाला जो आपका मेटल है, ये जो है ये एनोड की तरह वर्क करता है, ठीक है, और ये जो है कैथोड की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब जब दो टर्मिनल एक साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे बीच में क्या है, जनरेट होगी क्या, स्पार्क। स्पार्क का मतलब एक तरह से आर्क जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये होता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और जिसके बाद कंटिन्यूसली वहाँ पर आर्क जनरेट होती रहेगी और जो भी ये मेटल पिघल पिघल कर इसके अंदर जाता रहेगा, ठीक है। और साथ में साथ ये मेटल जो जो ये आपके इलेक्ट्रोड है, इस पिघल कर इसमें कंज्यूम होता रहेगा। तो दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं, एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं। जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं वो कंज्यूम होते जाएंगे, इलेक्ट्रोड ख़त्म हो जाएगा, हम फिर दूसरा इलेक्ट्रोड यूज़ करके उसको चेंज कर लेंगे, उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और नॉन कंज्यूमेबल क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो है सीधे क्या आर्क प्रोड्यूस करता रहेगा लेकिन वो कंज्यूम नहीं होगा, जैसे टंगस्टन वगैरह के जो बने होते हैं इलेक्ट्रोड, वहाँ पे हम फिलर मटेरियल अलग से यूज़ करते हैं। और ये जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, ये एक तरह से फिलर मटेरियल भी होता है हमारा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग है। इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग के बारे में देखिए और डिटेल रखा हुआ है, मेटल ब्लॉक टू बी जॉइंटेड टू नॉन फॉर द बेस मेटल। ये सारी चीज़ें हम रीड करेंगे, जो मैंने बताया वही सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। अ गैस इज प्रोड्यूस थ्रू द फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखिए, मेटल इलेक्ट्रोड इज कोटेड विथ फ्लक्स। मैंने आपको बताया जो मेटल जो इलेक्ट्रोड होता है वो फ्लक्स से कोटेड होता है। अब ये फ्लक्स जो एक वाइट वाइट टाइप का उसके बाहर बाहर से कोटेड होता है, ये फ्लक्स का काम क्या होता है भाई, जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं, अंदर जो आपका इलेक्ट्रोड का जो मेटल है वो पिघल कर आपके होल को फिल कर रहा होता है वहाँ पे, है ना, वो जॉइंट को फिल कर रहा होता है, उस समय क्या होता है, ऑक्सीडाइज ना हो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर के कारण, जो हमारी वेल्डिंग के या वेल्डिंग प्रोसेस में ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस ना हो, या फिर कुछ कॉरोजन या कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो, और जो भी वेस्ट यहाँ पे है वो सब हट जाए, तो इसलिए क्या है फ्लक्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था भाई, सोल्डरिंग में भी एक फ्लक्स होता है ना, वो हम उसको यूज़ करते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है आपके कंज्यूमेबल टाइप के जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं उसके चारों तरफ फ्लक्स लगा होता है, ताकि
प्रोसेस अच्छे से हो सके, प्रॉपरली हो सके और कुछ रिएक्शंस वगैरह ना हो वहाँ पे, ठीक है। इसलिए उसको यूज़ करें। ये सारी चीज़ें हम आगे अभी जब इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे जब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है, ठीक है। द फ्लक्स विच इज़ सराउंडेड बाय द आर्क फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रमेंड फ्रॉम द कमिंग कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट से बचाता है। इट हेल्प टू प्यूरीफाई द मेटल बाय बेंडिंग इटसेल्फ एंड इम्प्योरिटीज ऑफ द मोल्टेन मटेरियल। इम्प्योरिटीज मटेरियल से बचाता है और मेटल को हमारे प्यूरीफाई करता है जिसको हम वेल्ड करने वाले हैं। फ्लक्स इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ आर्क बाय हेल्पिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लक्स जो है क्या करता है, स्टेबल करके हमारे आर्क को स्टेबल करके रखता है, ठीक है, जब उसमें से हमारे इलेक्ट्रोड से करंट फ्लो करता है उस समय, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, स्लैग इज लाइटर इन नेचर हैंस द फ्लोटेड ओवर द मेटल एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ कोटिंग। जब हमारा देखिए वो जो चारों तरफ जो फ्लक्स लगा होता है वो फ्लक्स मटेरियल जो है बहुत लाइट होता है, ठीक है। फ्लक्स मटेरियल क्या होता है, लाइट होता है बहुत, ठीक है। क्या होता है, जैसे ही हमारा मेटल पिघलते जाता है उसके साथ साथ क्या है, ये फ्लक्स भी पिघलते जाएगा। और फ्लक्स क्या होता है, लाइट होने के कारण बाहर की तरफ आते रहेगा। जो भी जैसे आपके या मोल्टन मटेरियल जमा होने लगा तो इसके ऊपर ऊपर की तरफ ये आ जाएगा, ऊपर ऊपर तरफ आ जाएगा। जब हम ठंडा करेंगे ना इसको वेल्डिंग को, तो यहाँ पे वाइट वाइट सा कुछ जम जाएगा। वो वाइट वाइट जो होता है वही होता है आपका फ्लक्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ। तो दोस्तों देखिए वो जो स्लैग जो है, जो कचरा टाइप का जो वाइट वाइट सा ऊपर जम जाता है, वही होता है आपका फ्लक्स बाद में, ठीक है। तो फ्लक्स जब उसके साथ पिघलता है साथ में, फिर फ्लक्स क्या है, बहुत लाइट वेट का होता है, इसलिए वो क्या ऊपर आ जाता है मोल्टेन मटेरियल के ऊपर जम जाता है। और उस मोल्टेन मटेरियल को हम जो है टूल्स की हेल्प से उसको रिमूव कर देते हैं बाद में, ठीक है। तो ये एक तरह से काम क्या करता है भाई, हमारे ऑक्सीडाइजेशन ना हो मेटल के ऊपर और मेटल क्लीन रहे कोई, और वेल्डिंग के समय कोई दिक्कत ना हो, उसको हेल्प करता है ये फ्लक्स। और फ्लक्स कहाँ होता है भाई, जो हमारा कंज्यूमेबल टाइप का जो इलेक्ट्रोड होता है उसके चारों तरफ जो है कोटेड होता है, जो वाइट वाइट से आपने देखा होगा कभी लैब वगैरह में देखा होगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है, सम अलॉय एलिमेंट आर ऑल्सो मिक्सड इन द फ्लक्स टू मोल्टन मेटल विच ब्रिंग अबाउट द नेसेसरी चेंजेस इन द क्वान्टिटी एंड ट्रेल्स ऑफ द वेल्ड। कुछ अलॉयज भी उस फ्लक्स मटेरियल के साथ बना दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमारे क्या वेल्डिंग में कुछ क्वालिटीज में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें थी इलेक्ट्रिकल वेल्डेज के। और इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द स्मॉल वर्क, छोटे वर्क के लिए भी यूज़ के हो जाता है। जैसे कि आप वर्कशॉप वगैरह में देखा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग ही आर्क, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग ही हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, कई छोटे छोटे वर्कों में, मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक तरह से, छोटे वर्क में भी, बड़े वर्क में भी, हैवी वर्क में भी। डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ करंट हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ क्या कर रहे हैं सप्लाई, ठीक है। एक्सपर्ट ये क्या है, एन एक्सपर्ट असाइन ओनली टू मेक अ गुड बीड, ठीक है, गुड बीड। बोथ एसी एंड डीसी वेल्डिंग मशीन कैन बी यूज्ड इन दिस प्रोसेस। यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट दोनों यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से दिस वेल्डिंग प्रोसेस इज़ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट, ये ज़्यादा महंगी नहीं होती भाई, मतलब रिलायबल होती है हमारे यूजेस के हिसाब से, हमारी जो है हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से रिलायबल होती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती एक तरह से देखा जाए, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ करंट, बहुत लाइट वर्क और हैवी वर्क हो सकता है, अगर हमने लिमिट ऑफ करंट इंक्रीज़ कर दिया तो हो सकता है हमारा हाई वर्क करने लगे और करंट लो कर लिया तो लो वर्क के लिए, मतलब ये करंट के अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा कि हम कैसे कितना हैवी और कितना कम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये हमारे हिसाब से एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। तो रीज़न फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क इतना पॉपुलर क्यों है, उसके रीज़न देखिए क्या क्या होते हैं। तो इसके रीज़न ये होते हैं, टू सेटअप द इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी लेस स्पेस, ये बहुत ही कम जगह घेरता है। एन एसेंशियल टूल एस्टिमेट यूज फॉर वेल्डिंग अवेलेबल एवरीवेयर एट द नॉर्मल प्राइस। तो इसके जो टूल्स हैं बहुत आसानी से चारों तरफ मिल जाते हैं। देखिए थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, आप देखिए थ्योरी पार्ट पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि भाई आपके जो बेस हैं एकदम कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल क्लियर बन जाते हैं। और अभी देखिए ये थ्योरी पार्ट इसके बाद जो आने वाला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इसको भी आप पढ़ें क्योंकि ये भी कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है भाई, थ्योरी से भी, क्योंकि आईटीआई लेवल का पेपर बनना है तो प्रैक्टिकली चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस बाय द आर्क इज़ मोर देन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस बाय द अदर मैथड, ठीक है। इसकी जो फ्लेम्स हैं उनका टेम्परेचर ये हाई प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, इनकी जो फ्लेम्स हैं बल्कि दूसरे मेथडों के मुकाबले, ठीक है। आर्क वेल्डिंग इज़ टाइम सेविंग, ये हमें समय को बचाती है। अब देखिए जैसे कि हम क्या बोलते हैं दूसरी तरह की वेल्डिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, जैसे कि अपने ये इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग है, ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस वेल्डिंग में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, उसके क्या होता है हमारी कोई भी डिफरेंट तरह की गैस वेल्डिंग में भी हमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें बहुत कम टाइम लगता है, एक तरह से टाइम सेविंग भी है, ठीक है।
ये चीज़ है इसमें। द ज्वाइंट मेड बाय द आर्क वेल्डिंग इज लॉन्ग लास्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग। इसके द्वारा जो ज्वाइंट बनाया जाता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों, और बहुत ही समय तक चलने वाला होता है, तो इसलिए इतना क्या है, इतना पॉपुलर है, ठीक है, ये वाली वेल्डिंग। और इट इज़ ईजी परफॉर्म आर्क वेल्डिंग बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज़ अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ये बहुत आसान होता है भाई, आजकल इलेक्ट्रिसिटी हर कहीं अवेलेबल हो जाती है, ये पॉइंट्स है, ठीक है। द रिपेयरिंग टेक प्लेस इजली परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है। रिपेयरिंग जो है, रिपेयरिंग टास्क है, वो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से बहुत आसान हो सकता है भाई। आपके खिड़की दरवाजे या कहीं मतलब घर के काम भी ऐसे कहीं कहीं आ जाते हैं कि वहाँ पे आपकी खिड़की में कुछ आयरन का लगा हुआ है और वो टूट गया, तो हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग वाले को लेकर आते हैं, वो एक डीसी मोटर भी साथ, वो सॉरी डीसी जो है बैटरी लेके आता है साथ में, और फिर उसके बाद वहाँ से कनेक्ट करता है और अपना इलेक्ट्रोड निकालता है और उसमें फिट करता है अपने हैंडल में जो भी है ना उसके, और उसके बाद वो काम करके चला जाता है, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत ईजी हो जाता है, मतलब इसको हैंडल करना यहाँ से वहाँ उठा के ले जाना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से ये रिपेयरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये थे इसके पॉइंट। तो चलिए, मेथड ऑफ प्रोड्यूस इफेक्टिव वेल्डिंग जॉइंट, ठीक है, कुछ मेथड होते हैं इफेक्टिव वेल्डिंग जॉइंट प्रोड्यूस करने के, जिसको हम जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं क्योंकि हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहे हैं। द जॉब मस्ट बी करेक्टली फॉर द डिफरेंट वर्क टेबल, तो हमारे जो टेबल में है जॉब को अच्छे से बिल्कुल प्लेस करें तभी बढ़िया वेल्डिंग हो पाएगी। इलेक्ट्रोड शुड बी सिलेक्टेड एज पर ब्रेथ ऑफ द जॉब, कितना मोटा है कितना पतला है उस हिसाब से हमें इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। जॉब में कितनी मोटी वेल्डिंग करनी है, कितनी पतली करनी है उसके हिसाब से, ठीक है। डिसाइडेड टू करंट एंड पोलरिटी एज पर द साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, हमें डिसाइड करना है कितना करंट लेना है और पोलरिटी मेंटेन करनी है। तो रिवर्स फ्लो होता है, और कभी देखो क्या होता है, हम इलेक्ट्रोड हो गया आपका इलेक्ट्रोड जो है एक टर्मिनल इसका यहाँ पे जुड़ा होगा अपनी बैटरी के एक एंड से, और बैटरी के दूसरे एंड से हमारा एक जो है जॉब जुड़ा होगा ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे अर्थिन की तरह काम करेगा एक तरह से, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे स्पार्किंग के लिए हेल्प करेगा। तो ये पोलैरिटी मेंटेन करना होता है हमें, वहाँ पे फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करना होता है, ठीक है, वहाँ पे। तो द जॉब ऑफ इलेक्ट्रोड शुड होल्ड केप्ड इन सच अ मैनर दैट द वेल्डिंग बी रिमेन क्लियरली एंड विजिबल, जब हमें वेल्डिंग आसानी से हम कर सकें, हमें दिखे हमारी वेल्डिंग, ठीक है, ऐसी इसी जगह में जॉब को रखना है। बिफोर इल्यूजन ऑफ द वेट वेल्डिंग रॉड द वेल्डिंग शुड बी स्क्रीन अप्रूव्ड हेलमेट, तो सारी चीज़ें मतलब सेफ्टी के इक्विपमेंट यूज़ करना है हमें, ठीक है, हेलमेट वगैरह और सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करने हैं यहाँ पे, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द वर्क पीस शुड बी यूनिफॉर्म डिस्टेंस में होना चाहिए, एंड द ठीक है इलेक्ट्रोड फ्रॉम द वर्कपीस से, देखो ज़्यादा पास में लेके जाओगे अपने इलेक्ट्रोड तो चिपक जाएगी उसमें, ठीक है। तो एक बिल्कुल एक मतलब इसके लिए इसकी स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़रूरत होती है भाई, जो इस बंदे को आता है वही कर पाएगा वेल्डिंग। आप जैसे ही उसको लोहे के या रॉड पे टच करेंगे आप इलेक्ट्रोड को, तो इलेक्ट्रोड क्या करेगा, आर्क प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है, स्पार्क करेगा, आपने उठाया फिर आपने उस पर टच किया तो वो कभी कभी वहीं पर चिपक जाता है, फिर हम उसको हिलाकर निकालते हैं ना। तो ये क्या होता है कि हमें वहाँ पे एक कंटिन्यूटी मेंटेन करना होता है, गैप मेंटेन करना होता है ताकि वो आसानी से वर्क करता रहे, आर्क भी प्रोड्यूस होती रहे और चिपके भी ना, अगर हम उसमें ज़्यादा टच कर देंगे वो चिपक भी जाएगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई। टूल यूज फॉर द इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, कुछ टूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टील रूल होती है जो 150 से लेकर 300 और 600 mm के एक स्केल होती है भाई, नॉर्मल जो हमारी स्टील की स्केल है, हम पहले पढ़ चुके हैं आपको बहुत आसानी से, वही स्केल है जो मेज़रमेंट करने के लिए टूल्स की, इसमें ज़्यादा कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं सॉरी इस तरह से ये स्टील स्केल है, ये मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ होता है। और एक है आपका स्टील टेप, ये टेप, ठीक है, ये नॉर्मली आपने देखा होगा, ये टेप भी क्या है, मेज़रिंग करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, इसको आप थ्योरी पढ़ें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सेट स्क्वायर जब हमें किसी हमारे जॉब को 90 डिग्री में बिल्कुल होल्ड करके रखना है या मेज़र करना है उस जगह इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको। और उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाता है आपका फाइल का यूज़ कब करते हैं, जब हमारा वेल्डिंग हो चुका है भाई, दोनों पार्ट में वेल्डिंग हो गया, अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ, तो हम फाइल की हेल्प से क्या है इसको रब कर करके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये फाइल का वहाँ यूज़ होता है। फाइल की लेंथ डिपेंड करती है इसके शोल्डर से लेकर इसके टो के बीच की लेंथ को फाइल की लेंथ कहा जाता है, ठीक है, इसके यहाँ वाले टिप से लेके ये शोल्डर तक की लेंथ। तो फाइल की लेंथ डिपेंड करती है कि हमें किस तरह की फाइल, तो एक मैं लास्ट वीडियोस में जब हैंड फॉर्जिंग पढ़ाया था जब मैंने ये सब चीज़ें बता दी आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चेजल भी कुछ वायर वगैरह काटने के लिए, छोटा से पतली शीट को काटने के लिए यूज़ होते हैं। चेजल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ थ्योरी में बिल्कुल इसको रीड करेंगे एक बार, और प्रीवियस वीडियोस में ये सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा अच्छे से कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद होती है आपकी स्क्राइबर इज़ हाई कार्बन स्टील से बना होता है, और ये लाइन बनाने के लिए मार्किंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, स्क्राइबर।
ठीक है, उसके बाद डॉट पिंच उसी लाइन जो बनी हुई है उनको और ज़्यादा डार्क करने के लिए यूज़ हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, और अच्छे से बनाने के लिए। तो ये कुछ टूल्स थे उसके। और देखते हैं और कौन कौन से टूल बचे हुए। देखिए ये हैमर है, तो हैमर भी देखो कितने टाइप के हैं। बॉल पिन हैमर हो गया, क्रॉस पिन हैमर हो गया, और स्ट्रेट पिन हैमर हो गया। ये स्ट्रेट काटने के लिए होता है बिल्कुल। ये कुछ एंगल में क्रॉस पिन होती है, ये बॉल पिन हैमर है। तो ये टाइप्स ऑफ हैमर है। जब हम स्लैग वगैरह को निकालना है या कुछ इस तरह से, तो हम इनको लाइट वेट के हैमर जो छोटे छोटे होते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। ये डिवाइडर है, डिवाइडर भी कुछ सर्कुलर चीज़ों को डिवाइड करने के लिए बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ये सारे टूल्स से कॉमन है, सभी वर्कशॉप में कॉमनली यूज़ हो जाते हैं। और ये है टोंग्स। टोंग्स जो होती है आपकी एक पकड़ने के लिए होती है, ठीक है, जो जॉब है भाई काफ़ी गर्म है अपन, वो इससे लोहे का होता है, ठीक है, स्टील का आयरन का होता है बना हुआ, ठीक है। तो ये वेल्डेड जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो वेल्डेड जॉब है उसको पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ये कितने तरह के होते हैं देखो, ये सारे तरह के लिखे हुए हैं, आप इसको रीड करेंगे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, इसके डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हैक्सो। हैक्सो देखिए, हैक्सो में क्या होता है, ऊपर वाली बॉडी को फ्रेम बोलते हैं और नीचे वाला ब्लेड होता है, ये भी कटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये सिंपल सी आपके घर में भी होंगी, अभी देखा होगा आपने, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद होते हैं चिपिंग हैमर वही जो स्लैग वगैरह ऊपर जम गया या ये कहीं कहीं हमारा जो क्या हो गया, हमने गलती से कहीं इलेक्ट्रोड को टच कर दिया और वहाँ पे थोड़ा सा वेल्डिंग का चिप बन गई है, तो ये चिपिंग हैमर की हेल्प से जो दोनों तरफ से काम करता है और उसकी हेल्प से उसको चिप को निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वायर ब्रश। वायर ब्रश जो होते हैं अंदर स्टील के लोहे के वायर होते हैं, अंदर स्टील के वायर होते हैं, और ये पूरा ये पार्ट वुड का बना होता है, ये भी स्क्रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये वायर ब्रश। तो ये सारे टूल्स थे। ये देखिए ये वाला ग्लव्स, इसको हाथ में पकड़ के, ये वाला जो हेलमेट है इसको जो है हाथ में पकड़ के इसको यूज़ किया जाता है, जाके हमें हमारी आँखों में आर्क ना लगे, ठीक है। तो ये देखिए इसको वेल्डिंग हैंड स्क्रीन बोलते हैं, कि हैंड में स्क्रीन रखते हैं ताकि सामने की आर्क हमारी आँखों में ना लगे, ठीक है, उसके लिए। और ये एक वेल्डिंग गेज है, वेल्डिंग गेज क्या होता है, वेल्डिंग जो हमने मटेरियल फिल किया उसकी डेप्थ कितनी है और कितना जॉइंट है, बट जॉइंट एंड फिलर जॉइंट यूज टू जॉइन, वेल्डिंग गेज इज़ यूज टू जॉइन द बट जॉइंट एंड फिलर जॉइंट, मोर ओवर इट इज़ यूज फॉर मेजर द थिकनेस ऑफ द फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल की थिकनेस मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ध्यान से देख लो भाई, क्योंकि अगर इस टाइप से डायग्राम बना के आ गए तो आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद होता है हेलमेट। हेलमेट देखो, ये हेलमेट, ये परमानेंटली हेलमेट पहन लेता है सामने वाला बंदा इसको। ये कुछ गॉगल्स होते हैं वेल्डिंग की तरह, वेल्डिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है, इस तरह के गॉगल्स। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। ये ग्लव्स यूज़ होते हैं, और ये देखिए यहाँ पे शूज़ यूज़ हो गए, और हैंड स्लीव्स, ताकि हमें भाई आर्क वगैरह और आग वगैरह, अगर क्योंकि स्पार्किंग के समय वहाँ पे जो होती है उस समय क्या होता है भाई, स्पार्क दूर दूर तक आती है और हम जल ना जाए इसलिए, ठीक है। इस तरह से ये सब सारे टूल्स यहाँ पे यूज़, इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। अब ये थे कुछ कॉमन, उनको आप बहुत आसानी से समझ सकते थे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई वेल्डिंग के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोड आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड जो है बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड जो है हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। नॉन कंज्यूमेबल मतलब एक जो हमारे यहाँ पे लगा हुआ इलेक्ट्रोड उस वो ख़त्म होते जाएगा धीरे 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 ख़त्म होके, हमारी वेल्डिंग जैसे जैसे हो जाएगा वो फिल हो जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, हम फिर दूसरा लगाना पड़ेगा। और नॉन कंज्यूमेबल में ऐसा नहीं होता, नॉन कंज्यूमेबल में वही इलेक्ट्रोड रहता है, उसी से हम आर्क प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम एक फिलर मटेरियल अलग से यूज़ कर लेते हैं। और कंज्यूमेबल में ऑलरेडी फिलर मटेरियल इसमें उसी के अंदर उसी के साथ होता है, वही एक तरह से फिलर मटेरियल होता है और चारों तरफ से फ्लक्स लगा होता है, ठीक है। दो तरह के हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोड में क्या क्या होता है, बीच वाले पार्ट में एक जो रॉड होती है जो मेटल की होती है उसको हम कोर कहते हैं, है ना, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेयर एंड फॉर द ग्रिपिंग ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर, ठीक है। बेयर एंड जहाँ से जो हम यहाँ से अपने होल्डर को फंसा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ हमारे पास हैंडल होता है, यहाँ से हमारे पास एक ट्रिगर टाइप का होता है, नीचे से वो ट्रिगर को ही हम दबाते हैं, फिर यहाँ से जैसे हम ट्रिगर को साथ में दबाएंगे और यहाँ मेटल पर टच करेंगे तो वो हमारी आर्क जो है प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों जब मतलब वेल्डिंग तो मुझे भी आती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करनी होती हैं भाई हमें भी सबको। तो बेयर एंड फॉर द ग्रिपिंग कभी यूज़ नहीं करते, बट आता सारी चीज़ें हैं वेल्डिंग करने का। तो मैंने इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग की हुई है, मुझे पता है कैसे करते हैं इसको, मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है। मेरा एक शौक है भाई कि जो कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिसको मैं प्रैक्टिकली सीखा हुआ, मैंने बहुत सारी चीज़ें, तो काफ़ी इससे फ़ायदा मिलता है, मतलब मज़ा आता है करने में। कुछ लोगों को मज़ा आता है, कुछ लोग
वो नहीं आते तो भाई नहीं करते हैं। स्ट्राइकिंग एंड होता है ये वाला, और ये बीच का होता है आपका बेयर, मतलब ये इसके चारों तरफ फ्लक्स नहीं लगा होता है, यहाँ से ये खाली होता है, ठीक है, फ्लक्स नहीं लगा होता, खाली होता है। इसी को हम हैंडल्स के साथ, इसकी इसी को हम उसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, होल्डर के साथ। और फिर यहाँ नीचे से यहाँ हमारा हैंडल होता है, यहाँ एक ट्रिगर टाइप का होता है, उसको दबा के हम वो करते हैं। तो ये उसके ऊपर कोटिंग है, ये कोटिंग क्या होती है, ये फ्लक्स की कोटिंग है, ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग में यूज़ होने वाला। अब देखो, तो सबसे पहले जो है, अब देखो, एक मैंने आपको बताया था भाई, यहाँ पूरा थ्योरी में लिखा हुआ है, मैं उसको नहीं बता रहा। एक मैंने आपको बताया था कंज्यूमेबल, एक नॉन कंज्यूमेबल। तो कंज्यूमेबल में दो टाइप होती है, एक बेयर टाइप और एक कोटेड टाइप, ठीक है। कंज्यूमेबल में बेयर टाइप और कोटेड, बेयर टाइप क्या होता है और कोटेड टाइप क्या होता है, ये दोनों कंज्यूमेबल टाइप। बेयर टाइप में क्या होता है भाई, फ्लक्स की कोई कोटिंग नहीं होती, अकेला एक रॉड ही होता है सीधे, और वही रॉड समझ लो एल्युमिनियम की एक रॉड है, फॉर एग्जांपल, वही रॉड को हम फिल करते जा रहे हैं और उसमें कोई चारों तरफ फ्लक्स नहीं लगा, बस वही रॉड है जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है, तो उसको हम बेयर टाइप बोलते हैं, ठीक है। और एक कोटेड टाइप में क्या होता है, फ्लक्स की कोटिंग होती है बस, लेकिन दोनों ही कंज्यूम हो रही होती हैं, ठीक है, दोनों, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल टाइप। और नॉन कंज्यूमेबल टाइप में क्या होता है, टंगस्टन वगैरह की, कार्बन की, ग्रेफाइट की जो रॉड होती हैं वो नॉन कंज्यूमेबल में आती हैं, ये कंज्यूम नहीं होती। हाँ, हालांकि कुछ समय बाद वो थोड़ा थोड़ा सा जो है उसमें डिफेक्ट आता है, तो उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, पूरी तरह। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें लिखी होंगी, आप रीड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड इज़ अ सर्कुलर वायर कोटेड विद द फ्लक्स ओवर द बॉडी, ठीक है, उसकी बॉडी में जो है फ्लक्स कोटेड होता है। इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द आर्क, एक्ट एज अ फिलर मटेरियल, आर्क प्रोड्यूस करने के लिए होता है और एक फिलर मटेरियल की तरह यूज़ होता है वो, ठीक है। और उसके आगे आप देखिए क्या लिखा है, इट कैरी करंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड होल्डर टू द आर्क, इलेक्ट्रोड होल्डर से, ठीक है, करंट कैरी करता है। इट कम्प्लीट द वेल्डिंग सर्किट, वेल्डिंग सर्किट को कम्प्लीट करता है जब हम नीचे वाले जॉब से उसको टच करते हैं। एंड फिलिंग द जॉब इलेक्ट्रोड विद द फ्लक्स कोटिंग एंड जनरली यूज फॉर कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोड विदाउट फ्लक्स कोटिंग, ठीक है, ये विदाउट फ्लक्स कोटिंग। तो आप इसकी थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या है, आगे देखिए इसमें क्या है, अरे यार ये क्या हो गया। हाँ, तो आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के कुछ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द कोटिंग, थिकनेस ऑफ द कोटिंग। तो एक में लाइट कोटिंग होगी, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, इसके बहुत ही कम कोटिंग की है, तो इसे लाइट कोटेड बोलेंगे। मीडियम कोटिंग मतलब थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और हाई कोटिंग मतलब हैवी कोटिंग मतलब ज़्यादा कोटिंग होगी उसके चारों तरफ, ठीक है। तो ये है, तो कोटिंग फैक्टर डिपेंड करता है कोटिंग डायमीटर अपॉन कोर वायर डायमीटर। जो कोर वायर, बीच वाला जो वायर था वो, उसको हम कोर वायर बोलते हैं। कोर वायर के डायमीटर में के ऊपर डिपेंड करता है कोटिंग डायमीटर। कोटिंग डायमीटर हमने कितने कोट मटेरियल किस डायमीटर में कोट किया है अपॉन कोर वायर के डायमीटर, तो इसको बोलते हैं कोर फैक्टर। कोर फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ कोटिंग डायमीटर टू द रेशियो ऑफ वायर डायमीटर, ठीक है, कोर वायर डायमीटर, ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। साइज़ ऑफ इलेक्ट्रोड देखिए, कुछ कितने साइज़ के इलेक्ट्रोड होते हैं, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, ये आप इसको रीड करेंगे समझ जाएंगे। 450 mm यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है, 450 mm तक की आपकी जो है साइज़ हो सकता है इलेक्ट्रोड का। तो फैक्ट सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कुछ इस चीज़ों पे डिपेंड करता है, एलवीबिटी ऑफ टाइप ऑफ करंट, किस तरह का हमें करंट मिल रहा है, एसी मिल रहा है, डीसी मिल रहा है, उस हिसाब से हम इलेक्ट्रोड को सिलेक्ट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ बेस मेटल, बेस मेटल का कंपोजिशन क्या है भाई, आयरन आयरन में कोटिंग कर रहे हैं, एल्युमिनियम एल्युमिनियम में, या कॉपर कॉपर में, उस हिसाब से हम यहाँ पे कंपोजिशन को देखते हुए हम इलेक्ट्रोड का वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड का, ठीक है। और थिकनेस ऑफ द बेस मेटल, बेस मेटल की थिकनेस पर डिपेंड करेगा कि भाई देखो बेस मेटल की थिकनेस बहुत ही कम है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड हम बहुत कम वाला यूज़ करेंगे, और जहाँ पे थिकनेस बहुत ज़्यादा तो वहाँ बहुत मोटा सा इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे ताकि हमारा फिलिंग बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। पतला फिलर लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उस हिसाब से भी डिपेंड करते हैं। वेल्डिंग पोजीशन, फ्लैट में वेल्डिंग कर लें, वर्टिकल वेल्डिंग कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल या ओवरहेड, तो उस हिसाब से वेल्डिंग पोजीशन, ठीक है, वेल्डिंग पोजीशन के हिसाब से भी हम इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ वेल्डिंग जॉइंट, वेल्डिंग जॉइंट की फिज़िकल प्रॉपर्टी के हिसाब से भी यहाँ पे इसको किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट अमाउंट ऑफ पेनिट्रेटिंग रिक्वायर्ड इन वेल्डिंग, ठीक है, पेनिट्रेटिंग रिक्वायर्ड इन वेल्डिंग क्या है, अमाउंट ऑफ, उसके हिसाब से स्केल ऑफ वर्कमैन इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन पर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक कंसिड्रेशन पर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रोड कैसा होगा। आप रीड कर लेंगे, बढ़िया से समझ में आ जाएगा।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग फ्रेम। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ पे गैस वेल्डिंग आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गैस वेल्डिंग को पूरा एक्सप्लेन करने। हमने आर्क वेल्डिंग समझ ली ना, बिल्कुल वैसे ही गैस वेल्डिंग। अब देखो मैं गैस वेल्डिंग थोड़ा सा बता ही देता हूँ, फिर हम आर्क के बारे में देखो। गैस वेल्डिंग जैसे क्या होता है, यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा बताया, एक गैस का सिलेंडर होता है जिसमें ऑक्सीजन एंड ऑक्सी एसिटिलीन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन और ऑक्सी एसिटिलीन दोनों मिक्स होके आती हैं, दोनों क्या होते हैं आपस, दोनों एक दूसरे के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सी एसिटिलीन, और एक फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फ्लेम प्रोड्यूस करता है, वो फ्लेम जो है हमारे मेटल को हीट अप करने में हेल्प करता है, और मेटल हीट अप होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोड या फिर एक जो फिलर मटेरियल उसको उसके साथ भी हीट करते रहते, उसके साथ उसको ज्वाइन करते हैं, और ये हमारे यहाँ से वेल्डिंग हो जाती है। प्रीवियस वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया, इसलिए हमने उसको यहाँ पे नहीं लिया, हमें उसको टाइम कंज्यूम करना है हमें। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको फ्लेम के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ तीन तरह की फ्लेम होती है गैस वेल्डिंग में, एक होता है आपका न्यूट्रल फ्लेम, दूसरा होता है कार्बोराइज्ड फ्लेम, और ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम। तो देखिए न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है, जिसमें अमाउंट ऑफ आपके फ्यूल और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बराबर बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखना, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली आपको बताया कि जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का अमाउंट और हमारे फ्यूल का अमाउंट बराबर हो। अब फ्यूल आपका क्या हो सकता है, ऑक्सी एसिटिलीन, ब्यूटेन वगैरह जो भी फ्लेमेबल गैसेस हैं, ठीक है, वो सारी गैसेस हो सकती। वो गैस प्लस ऑक्सीजन का अमाउंट अगर देखो 1:1 में है, तो वहाँ पे हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं उसको। और कार्बोराइज्ड फ्लेम क्या होती है, कार्बोराइज्ड फ्लेम में देखिए क्या, न्यूट्रल फ्लेम पहले रीड करा लेता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो ये यहाँ पे देखो, सबसे पहले बोथ गैसेस कंबाइंड प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग एंड कम इनटू द टिप ऑफ प्रोसीजर फ्लेम, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ फ्लेम, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसको रीड करेंगे तो जो दोनों गैसेस हैं वो टिप में आती हैं और वो कंज्यूम होती हैं, बर्न करती हैं, उसके हिसाब से वहाँ पर फ्लेम जो है प्रोड्यूस होती है, और वही फ्लेम हम अपने मेटल को हीट अप मेल्टिंग करने में हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेल्डिंग हो जाती है। फिर देख न्यूट्रल फ्लेम में क्या बोला, न्यूट्रल फ्लेम बोथ ऑक्सीजन एंड एसिटिलाइन आर बर्न इन द सेम क्वांटिटी, ठीक है, सेम क्वांटिटी में बर्न होती हैं, ठीक है, ब्लो पाइप के हेल्प्स आके, ठीक है, ब्लो पाइप, इन द ब्लो पाइप द इंटरनल कोन ऑफ द न्यूट्रल फ्लेम इज लेंथी एंड क्लियरली राउंड एंड दिस फ्लेम इज यूज फॉर वेल्डिंग कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड एलुमिनियम। तो ये कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील को बर्न करने के, वेल्ड करने के लिए हेल्प करता था। मेजरली यूज फ्लेम, ये ज़्यादातर यूज की जाती है, ठीक है, इस तरह से वेल्डिंग में यूज़ होता है। अब देखिए इसकी जो फ्लेम है, देखो ये फ्लेम देख रहे हो अंदर की, ये अंदर की एक फ्लेम दिख रही है, एक बाहर की, ठीक है। तो अंदर वाली फ्लेम को क्या बोलते हैं हम, इंटरनल कोन, ठीक है, इंटरनल कोन, और बाहर वाली को एक्सटर्नल कोन, ठीक है। तो इंटरनल कोन थोड़ा सा वाइटिश कलर, वाइटिश टाइप की होगी, और बाहर की जो होगी थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप की, येलोइश टाइप का फ्लेम होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा कॉनिकल शेप में थोड़ी सी बड़ी सी होंगी, ठीक है, तो ये इसमें बताया। फिर उसके बाद कार्बोराइज्ड जो है फ्लेम, कार्बोराइज्ड फ्लेम, अब देखिए न्यूट्रल फ्लेम जो है बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती किसी भी चीज़ों से, ठीक है, मेटल के साथ आपकी रिएक्ट नहीं करती, न्यूट्रल फ्लेम बहुत ही बढ़िया होती है, रिएक्शन नहीं करता। लेकिन कार्बोराइज जो है रिएक्ट कर सकती है, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ एसिटिलीन, जब अब यहाँ पे जो हमारी फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, फ्यूल क्या है, एसिटिलीन है, एसिटिलीन की क्वांटिटी बढ़ गई और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गई, तो ऐसी कंडीशन में वो कार्बोराइज्ड फ्लेम हो जाएगी। अब कार्बोराइज्ड फ्लेम में देखिए आगे क्या, इट इज़ कॉल्ड कार्बोराइज्ड फ्लेम, द मिडिल सेक्शन ऑफ द फ्लेम इज नोन एज इंटरमीडिएट जोन, जो बीच का सेक्शन है उसको इंटरमीडिएट जोन बोलेंगे, ठीक है। इफ द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस इन नेचुरल फ्लेम, अब जो नेचुरल फ्लेम वैसी थी हमारी, अगर हमने ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम करी तो नॉर्मल सी बात है भाई, फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी, है ना, एसिटिलीन की क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी, तो वो फिर कार्बोराइज्ड हो जाएगी, कार्बोराइज्ड फ्लेम कहलाएंगे। द फ्लेम इज़ यूज फॉर वेल्डिंग इज हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील की वेल्डिंग करने के लिए, अलॉय स्टील की वेल्डिंग करने के लिए, इट हैज़ टेम्परेचर अबाउट 338, मतलब 30,038 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर पहुँच जाता है, ठीक है। ये अब नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है और हमारे फ्यूल का अमाउंट कम कर देते हैं, बस ऐसे ही है इसका उल्टा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखो लिखा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर कम्पेयर टू क्वांटिटी ऑफ एसिटिलीन, अब इसको रीड करेंगे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द न्यूट्रल फ्लेम कैन बी कन्वर्टेड इन ऑक्सीजन, वही चीज़ यार, इतना हम इसको रीड करके नहीं हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते। ऑक्सीजन फ्लेम इज जनरली कम इन यूज ऑफ वेल्डिंग स्टील ब्रास, कास्ट आयरन और ब्रॉन्ज वगैरह को वेल्ड करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, किसको, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपको याद रखना भाई, ऑक्सीजन के अमाउंट जो है बढ़ा दिया जाता है और फ्यूल का अमाउंट कम कर दिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे।
अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही शार्प पॉइंट जो मिलता है हमें, ये वाला मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो इनर वाली जो इसकी फ्लेम है, ठीक है, और आउटर फ्लेम जो है येलोइश ब्राउन वो ब्लू होती है, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ हमें इसमें, आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, आगे हमारा आ जाता है वेल्डिंग जॉइंट, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका वेल्डिंग जॉइंट, ठीक है। हम देखिए बिल्कुल हमने आधे घंटे के अंदर मात्र बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अच्छा दोस्तों, उससे पहले अपने अभी मेरे चैनल में अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे होता है कि दोस्तों देखिए मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मैं आपके लिए इस तरह से तैयारी कराता रहता हूँ। अभी हमारे जेई के जो अभी आपके नोटिफिकेशन आ गया, और जेई की नोटिफिकेशन आ गया तो हम कुछ दिनों बाद हमारे जेई की बिल्कुल टेक्निकली क्लासेस बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल तैयार करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जिन्हें हीट इंजन ऑप्शन में लिया हुआ है, ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए हम देखते हैं वेल्डिंग जॉइंट। तो वेल्डिंग जॉइंट किस किस तरह के होते हैं, तो देखिए वेल्डिंग जॉइंट जो होते हैं वो आता है आपका लैप जॉइंट, बट जॉइंट, टी जॉइंट। अच्छा दोस्तों एक काम करते हैं, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जॉइंट, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो बहुत ही शॉर्ट में रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसको बिल्कुल एक्सप्लेन कर पाएँ और ये जल्दी आ जाएगी। और इस ये टॉपिक ख़त्म जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा उसको मैं इसी के साथ एडजस्ट करके ख़त्म कर दूँगा। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, कि उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके पास, बहुत अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो। तो चलिए हम इसको यहीं समाप्त कर देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं हम इसके साथ, वहाँ पर हम वेल्डिंग जॉइंट के लिए यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं इसको सेपरेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों क्या है कि भाई जो है यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो चलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।